आप सभी को जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल धर्म ध्वजा पर। आज हम आत्मा और प्राण के बारे में कुछ अच्छी जानकारी लेकर आए हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो मनुष्य को पहले ही पता चल जाता है, ऐसे में वे स्वयं भी हथियार डाल देता है। अन्यथा उसने आत्मा को शरीर से बनाए रखने का भरकस प्रयास किया होता है और इस चक्कर में कष्ट को झेला होता है। अब उसके सामने उसके सारे जीवन की यात्रा चलचित्र की तरह चल रही होती है। इधर आत्मा शरीर से निकलने की तैयारी कर रही होती है, इसलिए शरीर के 5 प्राण एक धनंजय प्राण को छोड़कर शरीर से बाहर निकलना आरंभ कर देते हैं। ये प्राण आत्मा से पहले बाहर निकलकर आत्मा के लिए सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं, जो कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा का वाहन होती है। धनंजय प्राण पर सवार होकर आत्मा शरीर से निकलकर इसी सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। बहरहाल अभी आत्मा शरीर में ही होती है और दूसरे प्राण धीरे धीरे शरीर से बाहर निकल रहे होते हैं कि व्यक्ति को पता चल जाता है। उसे बेचैनी होने लगती है, घबराहट होने लगती है, सारा शरीर फटने लगता है, खून की गति धीमी होने लगती है, शरीर उखड़ने लगता है, बाहर के द्वार बंद होने लगते हैं, अर्थात अब चेतना लुप्त होने लगती है और मूर्छा आने लगती है। चैतन्य ही आत्मा के होने का संकेत है और जब आत्मा ही शरीर को छोड़ने को तैयार है तो चेतना को तो जाना ही होगा और वो मूर्छित होने लगता है। बुद्धि समाप्त हो जाती है और किसी अनजाने लोक में प्रवेश की अनुभूति होने लगती है। ये चौथा आयाम होता है। फिर मूर्छा आ जाती है और आत्मा एक झटके से किसी भी खुली हुई इंद्री से बाहर निकल जाती है। इसी समय चेहरा विकृत हो जाता है, यही आत्मा के शरीर छोड़ देने का मुख्य चिन्ह होता है। शरीर छोड़ने से पहले केवल कुछ पलों के लिए आत्मा अपनी शक्ति से शरीर को 100% सजीव करती है ताकि उसके निकलने का मार्ग अवरुद्ध ना रहे, और फिर उसी समय आत्मा निकल जाती है और शरीर खाली मकान की तरह निर्जीव रह जाता है। इससे पहले घर के आसपास कुत्ते बिल्लियों का रोना शुरू हो जाता है। इन पशुओं की आंखें अत्यधिक चमकीली होती हैं, जिससे ये रात के अंधेरे में तो क्या सूक्ष्म शरीर धारी आत्मा को भी देख लेते हैं। जब किसी व्यक्ति की आत्मा शरीर को छोड़ती तैयार हो जाती है तो उसके अपने सगे संबंधी जो मृत आत्माओं के तौर पर होते हैं उसे लेने आते हैं और व्यक्ति उन्हें यमदूत समझता है और कुत्ते बिल्ली उन्हें साधारण जीव मनुष्य समझते हैं और अनजान होने की वजह से उन्हें देखकर रोते हैं और कभी कभी तो भौंकने भी लगते हैं। शरीर के 5 प्रकार के प्राण बाहर निकलते हैं, उसी तरह सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं। जैसे गर्भ में स्थूल शरीर का निर्माण क्रम से होता है, सूक्ष्म शरीर का निर्माण होते ही आत्मा अपने मूल वाहन धनंजय प्राण के द्वारा बड़े वेग से निकलकर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। आत्मा शरीर के जिस अंग से निकलती है उसे खोलती हुई तोड़ती हुई निकल जाती है। जो लोग भयंकर पापी होते हैं उनकी आत्मा मृत्यु या मलग मार्ग से निकलती है। जो पापी है और पुण्य आत्मा भी है उनकी आत्मा मुख से निकल जाती है। जो पापी कम और पुण्य आत्मा अधिक होते हैं उनकी आत्मा नेत्रों के द्वारा निकल जाती है और जो पुण्य
धर्मनिष्ठ है, पुण्य आत्मा है और योगी पुरुष है, उनकी आत्मा ब्रह्म रज्जु से निकल जाती है। अब शरीर से बाहर सूक्ष्म शरीर का निर्माण हुआ रहता है, लेकिन ये सभी का नहीं हुआ होता। जो लोग अपने जीवन में ही मोह माया का मुक्त हो चुके हैं, योगी पुरुष हैं, उन्हीं के लिए तुरंत सूक्ष्म शरीर का निर्माण हो पाता है। अन्यथा जो लोग मोह माया से ग्रस्त हैं परंतु बुद्धिमान है, ज्ञान विज्ञान अथवा पांडित्य से युक्त हैं, ऐसे लोगों के लिए 10 दिनों में सूक्ष्म शरीर का निर्माण हो पाता है। हिंदू धर्म शास्त्र में 10 ग्रास का श्राद्ध और अंतिम दिन मृतक का श्राद्ध करने का विधान इसलिए ही है। 10 दिनों में शरीर के 10 अंगों का निर्माण इस विधान के पूर्ण हो जाने पर होता है और आत्मा सूक्ष्म शरीर मिल जाता है। ऐसे में जब तक 10 ग्रास का श्राद्ध पूर्ण नहीं होता और सूक्ष्म शरीर तैयार नहीं हो जाता, आत्मा प्रेत शरीर में निवास करती है। अगर किसी कारणवश ऐसा नहीं हो पाता है तो आत्मा प्रेत योनि में भटकती रहती है। एक और बात, आत्मा के शरीर छोड़ते समय व्यक्ति को पानी की बहुत प्यास लगती है। शरीर से प्राण निकलते समय कंठ सूखने लगता है, हृदय सूख जाता है और इससे नाभि जलने लगती है, लेकिन कंठ अवरुद्ध होने से पानी पिया नहीं जाता और ऐसी ही स्थिति में आत्मा शरीर को छोड़ देती है, प्यासी अधूरी रह जाती है। इसलिए अंतिम समय में मुख में गंगा जल डालने का विधान है। इसके बाद आत्मा का अगला पड़ाव होता है शमशान का पीपल, जहां आत्मा के लिए यम घट बंधा होता है जिसमें पानी होता है। यहां प्यासी आत्मा यम घट में पानी पीती है और उसके लिए अमृत तिल हो जाता है। इस पानी से आत्मा तृप्ति को प्राप्त होती है और अनुभव करती है। ये सब हिंदू धर्म शास्त्रों में विधान है कि मृतक के लिए ये सब करना होता है ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। अगर किसी कारणवश मृतक का 10 ग्रास श्राद्ध ना हो सके और उसके लिए पीपल का यमगढ़ भी ना बांधा जा सके तो उसकी आत्मा प्रेत योनि में चली जाएगी और फिर कब तक वहां पर उसको रहना है, उसको कब मुक्ति मिलेगी, ये कहना कठिन होगा। इसलिए जीवन बहुत अनमोल है, इसको व्यर्थ मत गवाओ, एक एक पल को सार्थक करो, मन के दायरे से बाहर निकलकर सचेत होकर जीवन को जियो, ना कि मन के अधीन होकर। ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, जीवन का एक एक पल जो जीवन का गुजरा रहा है वह फिर वापस नहीं मिलेगा। इसलिए हर पल जो भी कर्म करो बहुत सोच समझ कर करो, क्योंकि कर्म परछाई की तरह मनुष्य के साथ रहते हैं। इसलिए सदा शुभ कर्मों की शीतल छाया में हो रहे हो। वैसे भी कर्म की ध्वनि शब्दों की ध्वनि से अधिक ऊंची होती है, अतः सदा कर्म सोच विचार कर करना चाहिए। मित्रों, यह आपको संपूर्ण जानकारी आत्म और प्राण की मिली है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आप सभी को जय श्री महाकाल।